नमस्कार, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक और कहानी लेके। तो पिछली बार मैंने एक पोल किया था, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस तरीके की कहानी चाहिए, अ लव स्टोरी, रिवेंज स्टोरी और अ स्टोरी विद सोशल मैसेज। उसमें मुझे कुछ रिप्लाई लव स्टोरी के लिए आए, कुछ स्टोरी विद सोशल मैसेज। मैं यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करूंगी आपके सामने जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि वो बस एक प्रेम कहानी ना होके कोई ना कोई संदेश समाज में दे सके। और इसीलिए मैं आज अपनी लिखी हुई एक ऐसी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस कहानी की जटिलता ही उसकी सरलता है, उसकी खूबसूरती है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी कहानी क्या है। आज की हमारी कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, अर्ना और शुभम। अर्ना 35 साल की हो चुकी है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और अकेले रहती है। वहीं शुभम 55-56 साल का है, वो पेशे से एक शेफ है, एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट को ओन भी करता है और उसकी चेन्स ऑफ कैफे हैं, मतलब कि कैफे की श्रृंखला है उसके नाम पे। लेकिन अपनी कारकिर्दी के इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते उसने अब तक अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढी थी। अब जब काम कम होने लगा, उम्र उस पड़ाव पे आ गई जहां पे हमें ज्यादातर एक साथी की जरूरत होती है, तो उसे ये लगा कि अब उसे किसी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। ओ शुभम, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरे जैसी 35-36 साल की लड़की डेटिंग ऐप पे नहीं हो सकती? अर्णा ने शुभम के सामने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे अरे, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये सोच रहा था कि तुम जैसी सुंदर, सफल, 35-36 साल की लड़की मेरे जैसे 60 के नजदीक पहुंच चुके बुढ़ाऊ को क्यों स्वाइप राइट करके एक्सेप्ट करेगी? शुभम की बात सुन के अर्णा को हंसी आ गई। क्यों, तुमने ही तो लिखा था अपनी प्रोफाइल में कि आपको मेरी कंपनी से कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो बस मैं ट्राई करना चाहती थी कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। अर्णा ने शुभम के बायो में, यानी कि उसके बारे में जो प्रोफाइल में लिखा था, वो पढ़ा था अच्छे से। शुभम ने उस प्रोफाइल में लिखा था कि आप मेरी कंपनी, यानी कि आप जब मेरे साथ बिताओगे जो समय, उस समय को व्यतीत करने का अफसोस नहीं करोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। जिसे उसने अंग्रेजी में लिखा था, यू वॉन्ट रिग्रेट माई कंपनी। और इसी बात को लेके अर्णा अभी शुभम के साथ मजाक कर रही थी। तो बस मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी कंपनी को एक बार ट्राई तो करूं, फिर पता चलेगा कि मैं रिग्रेट करूंगी या नहीं करूंगी। शुभम को अर्णा बहुत पसंद आई थी। अर्णा के चेहरे पे वो तेज था जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हुई औरत के चेहरे पे होता है। काफी जटिलताओं और मुश्किल परिस्थितियों को सामना करके एक
मकाम हासिल करने वाली औरतों के चेहरे पे एक अलग नूर होता है। अर्णा, अब तुम नहीं पूछोगी कि मैंने तुम्हें क्यों स्वाइप राइट किया? हाँ, बोलो, जरूर मेरा चेहरा देखा होगा। अर्णा ने हंस के शुभम को बोला, नहीं अर्णा, सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारी प्रोफाइल में जो तुमने अपने बारे में लिखा था ना, वो मुझे इतना सच लगा, इतना सच लगा कि आज तक डेटिंग ऐप पे मुझे इतनी सच्ची प्रोफाइल कभी देखने नहीं मिली। कोई बनावटी लिखावट नहीं थी उसमें। वरना तुम देखते हो ना, आजकल की जो जनरेशन है वो क्या-क्या लिख देती है, कुकिंग, गिटार, ये वो। उसमें से आधी चीजें तो वो करते भी नहीं है, लेकिन बस लिखने के लिए लिख देते हैं। पर तुम्हारी प्रोफाइल में मुझे एक सच्चाई दिखी। तुम्हारी लिखावट से मुझे लग रहा था जैसे सच में किसी ऐसे व्यक्ति की ये प्रोफाइल है जिसने महज 35 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिया है, और उस 35 साल का निचोड़ मुझे वहां पे नजर आया। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें स्वाइप राइट किया। अर्णा और शुभम डेटिंग ऐप पे मिले थे। डेटिंग ऐप पे मिलना आजकल बहुत सामान्य हो गया है। आजकल के लड़का लड़की मैट्रिमोनी साइट जो शादियों के लिए बनी है, उससे ज्यादा डेटिंग ऐप पे ही एक दूसरे को मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अर्णा और शुभम भी एक ऐसी डेटिंग ऐप पे मिले थे, और आज पहली बार अपनी डेट के लिए वो, मतलब कि एक दूसरे को जानने के लिए, एक कैफे में मिले थे। तो अर्णा, मुझे ये बताओ, तुम्हारा जीवन कैसा रहा है? और तुम जितनी सुंदर और कामयाब लड़की, जब डेटिंग ऐप पे लड़का ढूंढती है, तुम, मुझे थोड़ा अचरज होता है। तुम लड़कियों को तो कोई भी लड़का मिल जाता है। शुभम का सवाल जायज था। अर्णा दिखने में बहुत सुंदर थी, ऊपर से एक सफल व्यक्ति थी, अच्छा खासा कमा लेती थी, अच्छा खासा घर था उसके पास, तो कोई भी लड़का उसे क्यों मना करेगा? ये शुभम को समझ में नहीं आ रहा था। देखो शुभम, मैं ना अगर अपनी कहानी बताऊं तो बहुत लंबी कहानी है। उसके लिए कुछ साल हमें पीछे जाके मेरे बचपन तक जाना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्णा ने शुभम से पूछा। शुभम ने थोड़ा सोचा। पहली ही बार मिल रहे हैं और अपने जीवन की परतें खोलने के लिए ये तैयार है। क्या मुझे इसकी बात सुननी चाहिए? लेकिन तुरंत फिर उसने अर्णा को हाँ कह दिया। पता नहीं क्यों, पर शुभम को अर्णा बहुत दिलचस्प लग रही थी। तो शुभम, मेरी कहानी कुछ इस तरह है। मेरे पिता को ना हमेशा से एक वारिस चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापार के मालिक थे, और उन्हें ये व्यापार मेरे दादाजी से मिला था। तो वो हमेशा से चाहते थे कि उनके घर में एक बेटा आए, लेकिन पहली ही बार में उनको हुई मैं। पता नहीं क्यों, लोग अक्सर कहते हैं कि पिता और पुत्री का जो संबंध होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है उसमें, एक अलग मासूमियत होती है। लेकिन मैंने कभी वो खूबसूरती का अनुभव नहीं किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिता को मुझसे क्या तकलीफ है। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर देखती थी कि मेरे पिता मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। सारा प्यार मुझे बस माँ से मिलता था। जब मैं 5-6 साल की हुई तो मुझे एक भाई हुआ।
और मेरे पिता की जो बहुत सालों से एक मंशा थी वो पूरी हुई। मेरा भाई उनके लिए तो बस एक वारिस था, उनके इतने बड़े व्यापार को आगे ले जाने वाला वारिस। माँ सब जानती थी लेकिन वो पिता से कभी लड़ती नहीं थी। वो जानती थी कि उनकी मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है। वो चाहती तो भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मेरे पिता का मेरी तरफ जो व्यवहार था और मेरी भाई की तरफ जो व्यवहार था वो इतना अलग था कि मुझे वो खटक रहा था अपनी आंखों में। लेकिन फिर भी माँ की वजह से मैं चुप रहती थी। लेकिन जब मैं किशोरावस्था में पहुंची और हमेशा से ही अपने स्कूल में आगे रहने के बावजूद कभी पिता से एक एक तारीफ का एक शब्द नहीं सुन पाई, तब जाके मुझे ये लगा कि अर्णा, अपने जीवन में तुझे जो करना है बस खुद करना है। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे पिता के लाड़ प्यार ने मेरे भाई को इतना बिगाड़ दिया था कि वो मेरी और मेरी माँ की तो सुनता ही नहीं था। फिर भी माँ साथ में है ना, ये सोच के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। बस धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ी, अच्छी पढ़ाई की, BBA किया, MBA किया और फिर बहुत छोटी उम्र में मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी। मेरे पिता को मुझसे कुछ लेना देना था ही नहीं। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि बेटी तुम आके व्यापार को संभालोगी, इतना बड़ा व्यापार है तुम्हारा भाई अकेला कैसे संभालेगा। नहीं, कभी नहीं। कुदरत ना मेरे साथ हमेशा निष्ठुर रही है। मेरा एकमात्र जीवन स्तंभ मेरी माँ थी। लेकिन एक सुबह मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज में। उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने एकमात्र आधार स्तंभ को यूं टूटते हुए देखना मेरे लिए आसान नहीं था। शुभम, मेरे पिता को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और मेरा भाई, उसके लिए तो माँ कुछ थी ही नहीं। माँ के जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ था। मुझे आज भी याद है वो आखिरी 3 महीने। माँ को मेरी बहुत चिंता थी, बहुत ज्यादा। वो हमेशा मेरे लिए रोती थी, अपने लिए नहीं। वो हमेशा कहती थी कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है। ऐसा कहते कहते वो एक दिन चली गई। माँ के जाने के बाद उस घर में रहने का मेरा कोई मकसद नहीं था और मैं 25 साल की हो चुकी थी। इतना तो कमा रही थी कि अलग से अपने लिए एक घर बना सकूं, अलग से अपनी एक दुनिया बसा सकूं। तो बस 10-11 साल से ऐसे ही अलग, अकेले यहाँ इस घर में मैं रह रही हूं। अर्णा की कहानी बहुत ही दुखदायक थी। एक ऐसी लड़की जो पिछले कई सालों से अकेले रह रही थी, माँ का प्यार खोने के बाद उसके जीवन में उसे वो नरमी, वो प्यार, वो प्यार का एहसास देने वाला कोई नहीं बचा था। पिता के होने के बावजूद अर्णा एक अनाथ की तरह रह रही थी। अपनी तकलीफें, अपनी मुसीबतें किसके साथ बांटती वो? तो चलिए हम आगे की कहानी देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।